लुनुडी स्थित कॉमरेड एके राय स्मृति भवन में बुधवार को बीसीकेयू कार्यकर्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक व यूनियन के महामंत्री अरूप चटर्जी ने की। बैठक में पाथरडी मोनेट कोलवासरी के ठेका मजदूरों को हाई पावर कमेटी द्वारा घोषित वेतन का भुगतान करने, पीएफ का पासबुक खाता देने तथा मोनेट कोलवासरी को कोयले की आपूर्ति करने आदि मांगों को लेकर बीसीकेयू द्वारा 30 नवंबर को मोनेट कोलवासरी गेट पर प्रदर्शन व घेराव करने तथा एक दिवसीय धरना देने घोषणा की गई। वक्ताओं में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि बीसीसीएल लोधना प्रबंधन द्वारा एक एक कर खदानों को बंद कर मजदूरों को स्थानांतरण करने की साजिश रची जा रही है, जिसे यूनियन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की इस मजदूर विरोधी नीति के विरुद्ध आगामी 9 दिसंबर को लोधना एरिया कार्यालय समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन घेराव तथा एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या था? एक राय साहब स्मृति भवन में हम लोग बैठक रखे थे। बैठक में हमारे बिहार को लेकर कामगार यूनियन का महामंत्री पूर्व विधायक निरसा और उपस्थित थे। तीनों जगह के तमाम कार्यकर्ता लोग और गांव के लोग जुटा था, लोधना एरिया का, पाथरडीह वासरी का और ईजे एरिया का। हम लोग को मजदूर और किसान, गांव के किसान और मजदूर दोनों ही आज तकलीफ में हैं। रैयत लोग को जमीन ले लिया, बिजली जल पैसा नहीं दिया, बहुत लोग को नौकरी नहीं मिला। मजदूर का भी बहुत सा समस्या, इतना कुलियरी में कोई अधिकारी रहता नहीं, कुलियरी सुनने वाला कोई नहीं है। इजी एरिया में एक कुमेश्वर मांझी जो कि कुलियरी बाउंड्री के अंदर नौकरी बोला कि एक महीना में हम देंगे, मैनेजमेंट लिख के दिया और आज तक उसको नौकरी नहीं हुआ। उसका आदिवासी, इसलिए वो मैंने दवार दवार जाके भटक रहा, सभी ऑफिस में भटक रहा। इन लोग 15 दिसंबर को ईजे एरिया पास धरना, विशाल धरना रखे हैं, हम लोग करेंगे। 30 तारीख को पाथरडीह वासरी में मोनेट में कोयला नहीं रहने से मजदूर को छांट दिया जा रहा, बैठा दिया जा रहा। पीएफ का पैसा का कोई आता पता नहीं है, पीएफ पासबुक लोगों को नहीं मिला अभी तक, हाई पावर कमेटी के नहीं मिला, बोनस भी अभी तक नहीं मिला। बोनस नवंबर को देने की बात बोला था जो हम लोग देंगे, नहीं दिया है। रैयत लोग को नौकरी नहीं लगा के दूसरे लोग को नौकरी लगाया जा रहा। भाटडी जो सड़क, जो बहुत आंदोलन किया, वो सड़क निर्माण काम लगा है, उसको भी हम लोग मांग में दे रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का काम बहुत बड़े पैमाने में चलेगा, इसीलिए रोड अगर बढ़िया से नहीं मिलेगा खत्म हो जाएगा। तो क्या मांग करते हैं? करते हैं ये तमाम मुद्दा, जितना मुद्दा बोले उस पर विचार करे, अन्यथा 30 तारीख को तो हम लोग लड़ाई वहाँ करेंगे ही, प्रदर्शन होगा। उसके बाद लोधना एरिया में साइडिंग का ठीका मजदूर को आज तक पीएफ का करोड़ों रुपया पैसा नहीं दिया गया। मतलब इन्हीं सबों के लिए आप लोग का जमीन में, अपना रैयत जमीन में जबरदस्ती मैनेजमेंट के लोग क्या नाम है कर रहे हैं, और ये आंदोलन जबरदस्त होगा। हम लोग सारे लोग को गोलबंद किए, एरिया 9 के लोग भी आएगा, मतलब जिसके लिए आप लोग आज बैठक रखते हैं। सभी कुलियरी के लोग जुटा, हमारा महिला भी पूरे बड़े पैमाने में